आज मैंने जैसा कि व्हाट्सएप मैसेज और अखबार के माध्यम से पता चला कि बार के अंदर साधारण सभा का आयोजन किया गया है, जबकि हमारे 18 मार्च 2023 को इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और उसमें मेन चुनाव अधिकारी भी डिक्लेयर हो चुका है धर्मेंद्र गहलोत साहब। ऐसे में कोई भी हाउस बुलाने की पावर किसी को होती नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज हाउस बुलाया गया और उसमें जो मेन मुद्दा रखा गया, जो कि किसी तरह का मुद्दा नहीं हो सकता था, वो मुद्दा ये रखा गया है कि वेलफेयर जो हमारा अलग से जो बनाया फंड अजमेर बार एसोसिएशन ने जो अजय त्रिपाठी अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में बना था, उसका मुख्य ध्येय ये था कि जो जरूरतमंद अधिवक्ता है, जैसे कि हमारे लॉकडाउन लगा था उस समय लॉकडाउन के अंदर हमने उन्होंने 10,000 रुपये की एड दी थी, सहायता दी थी, लोन दिया था। ऐसे हमने 170 चिन्हित करे थे वकील जिन्होंने फॉर्म भरे थे, सबको हमने 10,000 रुपये बार एसोसिएशन अजमेर ने अपने फंड के द्वारा दिए जो वेलफेयर बनाया था। और उसके अंदर ये आयोजन भी हमने उसमें रखा था कि जो अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो उसको हम तुरंत प्रभाव से 1,00,000 रुपये उस वेलफेयर फंड में से देंगे। इस तरह हम 40 अधिवक्ता जिनकी डेथ हो चुकी थी लगभग हमने उनको 1,00,000 रुपये प्रदान किया वेलफेयर फंड से, क्योंकि बार एसोसिएशन का जो हमारा वेलफेयर फंड जो बना हुआ है बार काउंसिल का, उसमें टाइम लगता है और वो इतना फंड नहीं होता है, तो हमने एक तुरंत प्रभाव से रिलीफ के लिए अधिवक्ताओं के लिए फंड की स्थापना करी थी। उसकी टोटल जो कमेटी बनी हुई है वो भी अलग बनी हुई है, जिसमें हाउस को जनरल हाउस जो अध्यक्ष रहेगा वो एक अध्यक्ष जो रहेगा जो वर्तमान अध्यक्ष वो एक मेंबर मात्र होता है, उसको उसमें किसी तरह का डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ऐसे में किसी ने भी यदि आज जो चाल चली है वो इसलिए चली हो सकती है कि वेलफेयर फंड को भंग करने की जो बात कर रहे हैं, जो कि अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष अभी रहा ही नहीं है, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव अधिकारी आ चुका है, तो ऐसे में वो वर्तमान अध्यक्ष एक को तो पावर ही नहीं है कि उसको फंड को वो भंग कर दे। दूसरा इसमें जो इंटरेस्टेड अधिवक्ता हैं जो शायद वो लोग हैं और उनका मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने 3 साल में लॉ पे नहीं किया है लोन को, जबकि उनको आसान किस्तों में लोन को चुकाना था बार एसोसिएशन को। तो ऐसे में जो बंदेती पूर्वक हाउस रखा गया है आज की तारीख में बार एसोसिएशन अजमेर के अंदर, वो हाउस बिल्कुल बेकार और बिल्कुल मतलब बोगस है। ऐसा कोई भी हाउस बुलाने की ना तो अध्यक्ष को पावर थी, चुनाव अधिकारी को पावर नहीं थी और किसी अधिवक्ता को अपनी ओर से बुलाने की कोई पावर नहीं थी। तो ये जो हाउस आज रखा गया है बिल्कुल बेबुनियाद आधारों पर और मतलब कानून के विपरीत जाकर रखा गया है। इसको आज किसी तरह का कोई ऑर्डर पास करने का अधिकार भी नहीं है और मैं धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। हंगामा तो चूंकि जो लोग गलत रूप से किसी ऑर्डर को पास करवाना चाहते हैं जो होगा ही नहीं, तो हंगामा तो वाजिब है कि होगा ही होगा। तो हंगामेदार आज हमारी जो सभा है, हालांकि सब अधिवक्ता हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, लेकिन जो लोग ना समझें वो समझ जाएंगे।